कुछ ही फासले पर यहां दाहिने हाथ पर महात्मा गांधी जी की समाधि है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई और जिस विचारधारा ने महात्मा गांधी जी की हत्या करी उसी विचारधारा के चलते इसी 23 तारीख को और उसके बाद फिर 24 तारीख को भारत के लोकतंत्र पर एक जबरदस्त आघात हुआ है। राहुल गांधी जी के ऊपर जिस तरह का हमला पिछले दिनों में हुआ वो एक व्यक्ति के ऊपर हमला नहीं है। राहुल गांधी जी एक व्यक्ति की हैसियत से जरूर लोकसभा में पहुंचे हो, लेकिन पिछले दिनों में जिस तरह से समय समय पर उन्होंने लोगों की मुसीबतों पर सवाल उठाना शुरू किया, उसके चलते हुए एक तरह से राहुल गांधी जी भारत की आत्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और इसी भारत की आत्मा पर पिछले दिनों में हमला करने की कोशिश हुई। भारत का लोकतंत्र किस स्थिति से गुजर रहा है? लोकसभा में राज्यसभा में कार्रवाई पूरी तरह से ठप हो गई है। कोई सवाल वहां पर पूछ नहीं सकते, अगर पूछ भी लिया तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। 45 लाख करोड़ का बजट लोकसभा में पिछले दिनों में बगैर चर्चा मंजूर हो जाता, ये भारत के लोकतंत्र में इससे पहले कभी हुआ नहीं। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा शुरू की, यहां अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी 56 इंच की बात करते हैं, अगर ये इतना मजबूत प्रधानमंत्री है तो मैं बस इतना कहूंगा, राहुल गांधी जी की 4000 किलोमीटर पदयात्रा के मुकाबले 4 किलोमीटर की पदयात्रा नरेंद्र मोदी करके दिखा दे। मैं इस मौके पर बहुत अधिक समय नहीं लूंगा, आदरणीय खड़गे साहब ने और आदरणीय प्रियंका जी ने विस्तार से सारी बात हमारे सामने रखी है। हम अभी जंग की मैदान में उतर पड़े हैं, हमारे हाथ में कोई शस्त्र नहीं, हमारे हाथ में कोई तलवार नहीं, हमारे हाथ में कोई खंजर नहीं, हमारे हाथ में कोई बंदूक नहीं, लेकिन भारत सरकार के पास जिसने लोकतंत्र पर हमला किया उसके पास पूरा शस्त्र है, गोला बारूद है, सारी की सारी ताकत है और उसका मुकाबला हमें आने वाले दिनों में करना होगा। ये कमजोर दिल से हम ये लड़ाई नहीं जीत सकते, मजबूत दिल वाले और शेर दिल वाले ही ये लड़ाई जीत सकते हैं। राहुल गांधी जी के साथ वही चलेगा जो सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार होगा। हमारी लड़ाई में हमारे पास जो पद है वो पद से भी अगर हमें अपने आप को महरूम करना है तो वो तैयारी रखकर आने वाले दिनों में हमें अपना संघर्ष आगे चलाना होगा। जो गांधी को मानते हैं, जो राहुल गांधी को मानते हैं, वो कमजोर नहीं हो सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में हमारा संघर्ष और मजबूती से हम आगे बढ़ा पाएंगे। धन्यवाद।